जो दूसरों को दुखी देखकर अपने मन में प्रसन्न होते हों, पर स्त्री और पर धन का हरण करते हों, मनुष्य या पशु जीवों का वियोग करते हों, वे पुत्र आदि के वियोगी होते हैं, जो सदा निर्दय होकर नीच कामों में फंसे रहते हैं, शीघ्र ही दूसरों के हाथ पैर तोड़ डालते हैं, दूसरों को पीड़ा उत्पन्न करते हैं, वे मनुष्य विकल शरीर पाते हैं, जो मिथ्यात्व रूपी मदिरा को पीकर हृदय में पाप सूत्र की श्रद्धा करते हैं, धर्म के लिए जीव हिंसा करते हैं, महाकषाय और कलुषता को धारण करते हैं, नास्तिक बनकर पाप मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं, वे अनंत संसारी होते हैं, जो मुनिराज रत्न त्रय का पालन करते हैं, आगम के अनुसार उत्तम ध्यान करते हैं, इच्छा रहित होकर घोर तपस्या करते हैं, वे कर्मों का नाश कर धर्म रूपी जहाज के द्वारा संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं, जो उत्तम देवों की भक्ति करते हुए सच्चे गुरु के चरणों की पूजा करते हैं, साधर्मियों में वात्सल यानी प्रेम भाव रखते हुए मुनियों में अनुराग रखते हैं, वे उत्तम गोत्रम में जन्म लेते हैं, जो मूर्ख अभिमान में आकर सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार नहीं करते हैं, और खोटे देव खोटे गुरु वो खोटे धर्म को पूजते हैं, वे नीच गोत्र में जन्म लेते हैं, जिनके हृदय में वैराग्य भरा हो, जो तृष्णा का त्याग करके संयम को धारण कर लेते हैं, जो अत्यंत निर्मल चारित्र के भंडार हैं, विकार रहित होकर सदा ज्ञान ध्यान में तत्पर रहते हैं, ख्याति लाभ पूजा आदि कभी नहीं चाहते हैं, वे अहमिंद्र की संपदा को पाते हैं, जो पांच इंद्रिय रूपी शत्रु को वश में करके अत्यंत निर्मल चारित्र का पालन करते हैं, कठिन तपों को तप कर शरीर को सुखाते हैं, वे स्वर्ग में जाकर बाद में चक्रवर्ती होते हैं, जो गुणों को ग्रहण करने वाले सम्यक दृष्टि बनकर 16 कारण भावना बहाते हैं, वे तीन लोक के नाथ संसार के चूड़ामणि तीर्थंकर होते हैं। इस प्रकार जिन राज ने संसारी जीवों का हित करने के लिए गणधर देव के प्रति प्रश्न पूछने वाले का समाधान किया, जैसे सूर्योदय होने से कमल समूह खिल जाते हैं, वैसे ही भगवान का उपदेश सुनकर 12 सभाओं में बैठे हुए सब जीवों को बड़ा आनंद हुआ। भगवान की वचन रूपी किरणों से भारी दुख देने वाला मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो गया। काल लब्धि का बल पाकर बहुत से संसारी जीवों को वैराग्य हो गया। कितने ही पुण्यवान जीव परिग्रह का त्याग कर दिगंबर मुनि हो गए। कितने ही जीवों ने श्रावक के व्रत धारण किए। कितने ही पशुओं ने अणुव्रत धारण किए। कितनी ही स्त्रियां आर्यकायें हो गई और अपने पति के साथ वन में चली गई। कितने ही मनुष्य पशु देवी और देवों ने सम्यक दर्शन को धारण किया। कितने ही शक्तिहीन जीवों ने सुख करने वाली व्रतों की भावना की। बहुत से प्राणियों ने अपने भावों को पूजा व दान में विशेष रूप से लगाया। यथाशक्ति सभी जिन सेवक हो गए। कमठ के जीव ज्योतिषी देव ने भगवान का उपदेश सुनकर अपने बैर और मिथ्यात्व रूपी विष को दूर किया और वो प्रभु के चरणों में
नतमस्तक हो गया। उसने मोक्ष रूपी वृक्ष की जड़ सम्यक दर्शन को आदर पूर्वक ग्रहण किया, शंकादिक दोषों को दूर किया, जिससे उसका जन्म जन्म का दुख मिट गया। वहां 700 पाखंडी तापस अज्ञान से कष्ट सह रहे थे, सो प्रभु की संपदा देखकर उनका सम्यक ज्ञान भी जागृत हो गया। उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया, भगवान के चरणों में संयम को धारण किया और पूर्व मिथ्यात् अवस्था की निंदा की। दुखों का नाश करने वाले महामंत्र के समान जिनेश्वर वचनों को धन्य है, जिनसे मिथ्यात् रूपी सर्प से डसे हुए मन शीघ्र ही विष रहित हो जाते हैं। कहां तो कमठ जैसे पापी जीव जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, और कहां पापी तापस जिन्होंने महाव्रत धारण किए। जो जीव जिनेन्द्र भगवान के वचन रूपी जहाज पर चढ़ते हैं, वे भी संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। तो जो प्रत्यक्ष शरण में आ जाते हैं, फिर उनका कल्याण क्यों न हो। अब 4 ज्ञान के धारक प्रवीण श्री गणधर देव ने जिन रूपी समुद्र के अर्थ रूपी जल से अपने बुद्धि रूपी बर्तन भर लिए, अनेक प्रकार की रिद्धियों और गुणों के स्वामी दया सागर स्वयंभू नामक गणधर देव ने संसारी जीवों का हित करने के लिए द्वादशांग वाणी की रचना की। परमागम रूपी अमृत सागर में स्नान करने वाले मुनिराज जन्म जरा मृत्यु रूपी दाह को दूर कर मोक्ष पाकर सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। द्वादशांग वाणी में 112,83,58,005 पद हैं। उसके एक एक पद में 51,08,84,621 ग्रंथ पद यानी 32 अक्षर प्रमाण अनुष्टुप श्लोक हैं। इस प्रकार सभा का सब समूह आनंद रूप था, मानो अमृत रूपी जल से सबके शरीर सिंचित हो गए हों। फिर इंद्र ने हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर खड़े होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप संसार के नायक और शरण देने वाले हैं, 3 लोक के जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे प्रभु, ये विहार करने का अवसर है, अतः मन में दया धारण कर विहार करिए। भव्य जीव रूपी खेती कुमलाकर मिथ्यात्व रूपी आतप से सूख रही है। हे परमेश्वर, आप अनुग्रह करिए, वाणी रूप वर्षा से ताप को शांत करिए। आप मोक्ष रूपी महापुर के प्रधान हैं। हे दयानिधान, आपके उपदेश के बिना सब जल रहे हैं। आपकी सहायता पाकर भव्य जीव आवागमन के चक्कर से छूटकर सदा के लिए मोक्ष सुख प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इंद्र ने प्रार्थना की और 1,000 नामों से भगवान की स्तुति की। भव्य जीवों के पुण्योदय से प्रभु के बिना इच्छा के विहार हुआ। सब देव और असुरों ने जय जयकार किया और भगवान के विहार रूपी अमृत का रसपान किया। गमन के समय और ही विधि बन गई, समवश्रण की रचना विघट गई, साथ में 4 प्रकार के देव चले, 4 प्रकार के सब इंद्र चले, सुख को करने वाले
दुदुम्बी बाजे बज रहे थे, देवांगनाएं मंगल गीत गा रही थी, सुंदर देव कुमार हाथों में ध्वजा लिए हुए आकाश में चल रहे थे।